नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिक्स दलिया बनाएंगे। चलिए पौष्टिक मिक्स दलिया बनाना शुरू करते हैं। यदि आपको पैकेट की मिक्स दलिया नहीं मिल पा रही हो तो आप मिक्स दलिया बना सकते हैं। मात्रा हमने स्क्रीन पे दे दिया है, जिसमें से गेहूं को आपको छोटे टुकड़े में कर लेना है। बाकी सभी सामग्री आप मिला करके दलिया तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्वामी रामदेव जी द्वारा निर्मित पतंजलि की दलिया बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी से थोड़ा सा कम ये दलिया है। लौकी है, लौकी ये 200 ग्राम के लगभग है, धुल करके हमने काट लिया है। और ये गाजर है, गाजर हमने काट लिया। इसको हमने इसलिए रखा है कि ये गाजर के बीज का पोर्शन है, इसको आपको नहीं डालना है, इसको हटा देना है और साइड से गाजर ऐसे निकाल करके काट लेना है। ये टमाटर है, एक चार पांच मिर्चा है, हरा मिर्चा आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। मूंगफली है, इसको अभी हम भूनेंगे। पांच छह काली मिर्च और जीरा, हल्दी, नमक, एक नींबू। सबसे पहले हम दलिया को दो तीन पानी से धुल लेंगे और जब इसको हम धुलेंगे तो छन्नी की सहायता से इसका पानी निकालेंगे, क्योंकि इसमें अजवाइन वगैरह मिली रहती है, तिल अजवाइन ये बह जाएगा पानी में, इसलिए इसको हम धुलते समय छन्नी का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, दलिया हमने तीन चार पानी से अच्छे से धुल लिया है। अब हम अपने कुकर की तरफ चलते हैं। कर दिया है कुकर में, हम थोड़ा सा एक चम्मच के लगभग मूंगफली का तेल डालेंगे। तेल का इस्तेमाल हमको बहुत कम करना है, क्योंकि दलिया को हमें हेल्दी बनाना है। पतंजलि की दलिया आपको पतंजलि के किसी भी स्टोर से मिल सकती है। आप ये हमारी मिक्स दलिया हमने ली है, आप केवल गेहूं की भी बना सकते हैं, जौ की बना सकते हैं, और हमने सब कुछ मिला हुआ मिक्स दलिया लिया है। अब हम इसमें जीरा और काली मिर्च डालेंगे। कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे। अपनी कटी हुई लौकी हम डाल देंगे और कटा हुआ गाजर डाल देंगे। इन सब चीजों को हम अच्छे से चला लेंगे। एक मिनट तक हम इसको तेज फ्लेम पर भून लेंगे हल्का सा। आप चाहें तो नहीं भी भूनें तो भी चल जाएगा। इसमें हम टमाटर डाल देंगे और अपनी भुनी हुई दलिया ऐड कर देंगे। अब इसमें हम एक छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। ये हमने एक बड़े चम्मच नमक लिया, हमारा सेंधा नमक है, आप कोई भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए जब कोई पौष्टिक चीज बनाइए तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए। इसको हम इस तरह से मिला लेंगे अच्छे से। जिस नाप से हमें दलिया लेना है उसी नाप से हमें पानी लेना है। एक कटोरी हमने दलिया ली है तो हम तीन कटोरी पानी ऐड करेंगे। हमने इस कटोरी से दलिया ली थी तो उसका तीन भाग हम पानी डालेंगे। इतनी दलिया थी हमारी, तीन भाग पानी डालेंगे। और यदि आपको लगे कि थोड़ा सा और पतला बनाना है तो आप पानी और ऐड कर सकते हैं। और जो मूंगफली हमने ली है उसको भून करके दलिया बनने के बाद हम उसमें डालेंगे। अब हम
कुकर बंद कर देते हैं और 4-5 सीटी आने तक दलिया पकने देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। जब कुकर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हमें खोलना है। 10 मिनट बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं, हम अपनी दलिया चेक कर लेते हैं। 4 सीटी आने के बाद हमने गैस बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं इतनी ही गीली दलिया हमें चाहिए, और यदि आपको थोड़ी सी और कतली चाहिए तो पानी बाद में भी गर्म करके ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको छौंक देंगे। इधर हम अपनी कढ़ाही की तरफ आते हैं। कढ़ाही में हमने पतंजलि का देसी घी डाल लिया है। अब इसमें हम राई डालेंगे और ये करी पत्ता है, इसको हम काट करके डाल देंगे। फ्रेंड्स, छौंकन हमारा तैयार है। अब हम दलिया की प्लेटिंग कर लेंगे। जितनी दलिया हमने बनाई है वह परिवार के 4 लोगों के लिए पर्याप्त है। यह दलिया बहुत ही पौष्टिक होती है। इसमें गेहूं, जौ, चावल, अजवाइन, तेल सब कुछ मिला होता है। चाहे तो आप पतंजलि स्टोर से खरीद के ला सकते हैं, या हम इसकी मात्रा बता देंगे, आप घर पे भी दलिया बना के रख सकते हैं। और जब इच्छा हो तब आप इस तरह से नमकीन और हेल्दी दलिया बनाइए, बच्चों को खिलाइए। इसमें हम थोड़ी सी अपनी भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे। फ्रेंड्स, मूंगफली भी हमने सूखी ही भुनी है क्योंकि हमको हेल्दी दलिया बनाना है। इसमें हम ऊपर से छौंकन डाल देंगे। आप चाहें तो इस दलिया को बिना छौंकन के भी खा सकते हैं। छौंकने से थोड़ा बच्चों को पसंद आ जाती है, इसलिए हमने राई और करी पत्ते का छौंक लगा दिया है। ऊपर से हम अभी नींबू डालेंगे। नींबू यदि आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं पसंद हो तो अवॉइड कर सकते हैं। ज्यादा नींबू नहीं डालना है। इस तरह से हम दलिया को अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से आप मिक्स दलिया बनाइए, बच्चों को खिलाइए, परिवार को स्वस्थ रखिए। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे हम आपको किसी और हेल्दी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।